दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2022 में आप आधार इनरोलमेंट सेंटर कैसे ले सकते हैं, आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आधार इनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, कैसे हम जल्दी से जल्दी आधार इनरोलमेंट सेंटर ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा जिसकी मदद से आप आधार इनरोलमेंट सेंटर ले सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप दोस्तों आधार इनरोलमेंट सेंटर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। कैसे, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल जो है वहाँ पर जो सर्विसेस आपको दिए गए हैं उनमें से आपको सर्विस को यूज़ करना होगा। जैसे कि आप PMG दिशा सेंटर चला सकते हैं, इसके अलावा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना सकते हैं, PM किसान सम्मान निधि योजना का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका KYC कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे सर्विसेज मिल रहे हैं, UTI पैन कार्ड सर्विस हो गया, NSDL पैन कार्ड सर्विस हो गया, मतलब CSC के द्वारा आपका जो भी सर्विस दिया गया, जैसे DGPay मनी ट्रांसफ़र होता है उसमें आप विदड्रॉल कर सकते हैं। तो CSC के द्वारा जो आपको सर्विस दिया जाता है उसमें अगर आप सही से ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका अगर ग्रेड सही रहता है तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आधार इनरोलमेंट सेंटर ले सकते हैं। तो आपको CSC सेंटर चलाना होगा, CSC सेंटर में सही से काम करना होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, अब आपको आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर का एक एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आधार सुपरवाइजर के लिए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आधार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देने के लिए कैसे तैयारी करना है या कैसे इनरोलमेंट करना है, यानी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है परीक्षा के लिए। तो उसको देखने के लिए, तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब आपको क्या करना होगा कि आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम देने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, वहां से आपको एक डेट और टाइम मिलेगा, उस डेट में जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। जब आप आधार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसी सर्टिफिकेट के द्वारा आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके नाम पे थाने में किसी भी प्रकार का शिकायत दर्ज नहीं होना चाहिए, आपके नाम पे करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप बैंकिंग पोर्टल अगर आप लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा CSC का जो सर्विस आपको दिया गया है उसमें आपको एक्टिव रहना है, उसमें इन सारे सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो अब बारी आती है कि आधार इनरोलमेंट सेंटर लेने के लिए, इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको कुछ फॉर्म प्रोवाइड करेंगे और आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके साथ में आपका आधार कार्ड हो गया, साथ ही आपका पैन कार्ड हो गया, आपका अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ों को आप जो है अपने CSC जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको आप प्रोवाइड कराएंगे और उनके द्वारा आपका जो आधार इनरोलमेंट सेंटर होगा उसका प्रोसेस किया जाएगा। करने के बाद दोस्तों, आपके CSC के जो DM होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे, उनके द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ, अब आधार इनरोलमेंट सेंटर के लिए आप एलिजिबल हैं। तब दोस्तों आप आधार का किट जो होता है उसे आप परचेज कर सकते हैं। तो आधार किट परचेज करने के लिए कैसे, क्या प्रोसेस है, कितना प्राइस है, इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप अगर देख सकते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। होता है जो मशीन होता है उसे दोस्तों आप जो CSC का ई स्टोर होता है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो एनरोलमेंट सेंटर के लिए जैसे आप सेलेक्ट होंगे तो अभी फ़िलहाल पंचायत भवन में ये एक्टिव हो रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके नज़दीकी में जो पंचायत भवन है वहाँ अगर आधार सेंटर का काम चालू नहीं हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DM से। अगर वहाँ पे खाली है, अगर पंचायत भवन में आधार इनरोलमेंट सेंटर अभी तक नहीं चल रहा है, तो इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने DM से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो आप आधार इनरोलमेंट सेंटर में आधार कार्ड का जो इनरोलमेंट होता है न्यू इनरोलमेंट कर सकते हैं, आप आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। आगे दोस्तों और भी मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आधार कार्ड के जो काम होते हैं उसको कैसे करना है। तो यही है दोस्तों प्रोसेस अभी 2022 में आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलने का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आधार इनरोलमेंट सेंटर खोलना चाहते हैं, तो मैंने जो भी आपको प्रोसेस बताया अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो आधार इनरोलमेंट सेंटर ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि आधार इनरोलमेंट सेंटर कैसे ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।